Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the question and answer from a class 9th book, science book, that is the chapter 10th gravitation. और इस वीडियो में हम chapter 10 के आगे के questions करेंगे. इससे पहले के questions मैंने इससे पहले के videos में discuss किए हैं, जिसका कि आप link देख सकते हो, description में भी है, ठीक है. और हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से, जो आपके बुक के पीछे के एक्सरसाइजेस हैं, उसमें के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, वाई, ठीक है. तो जैसे आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो मून से काफी बड़ा है, ठीक है, और अर्थ का मास भी मून से काफी ज्यादा है. तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब एक फोर्स से अर्थ जो है वो मून को खींचेगा और एक फोर्स से मून जो है वो अर्थ को खींचेगा, ठीक है. तो क्योंकि अर्थ का मास बड़ा है और इसका जो है साइज भी बड़ा है मून से, तो क्या जिस फोर्स से अर्थ, जैसे आपने देखा होगा ना, दो बच्चों की लड़ाई है, तो जिसका वजन ज्यादा है, जिसका जो है स्ट्रेंथ जिसमें ज्यादा है, वो पतले वाले को खींच लेता है अपनी तरफ, है ना, ज्यादा फोर्स से खींच सकता है एज कम्पेयर टू कि जो पतला है वो उतने फोर्स से नहीं खींच सकता. तो क्या अर्थ और मून के साथ भी ऐसा होता है, क्या ग्रेविटेशन में भी ऐसा होता है? तो इसका आंसर है नो, ठीक है. जिस पुल और जिस फोर्स के साथ अर्थ मून को खींचता है, उसी पुल और उसी फोर्स के साथ मून भी अर्थ को खींचता है, लेकिन ये इक्वल फोर्स होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन बस अपोजिट होता है. मतलब अर्थ इस तरफ खींचेगी मून को, जैसे कि सपोज ये आप देखिए, जैसे कि सपोज ये अर्थ है और ये मून है, जो है अर्थ मून जो है वो अर्थ को इस तरफ खींचेगा और अर्थ जो है वो मून को इस तरफ अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है. लेकिन ये जो फोर्स है एफ, ये और ये फोर्स एफ, ये दोनों इक्वल होगा पर इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल चीज होती है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शंस. द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद एन इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, बट द थिंग इज दैट दिस फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून. अगर मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ मून की तरफ खींच क्यों नहीं चली जाती है, ठीक है. वो इसलिए क्योंकि उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करती है, ठीक है. सो दोनों अपनी अपनी जगह पे बने रहते हैं, ठीक है. सो द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम ईच अदर. हाउएवर द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून, हेंस इट्स एक्सेलरेट्स एट अ रेट लेसर देन द एक्सेलरेशन रेट ऑफ मून टुवर्ड्स द अर्थ. फॉर दिस रीजन द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, ठीक है. आपको ये समझ में आ गया होगा कि मून की तरफ अर्थ क्यों नहीं जाती है. दोनों का मास जो है काफी अंतर होता है, इस वजह से मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है, ना कि अर्थ मून का चक्कर लगाती है, ओके. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो है फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर. ये मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो अगर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर किसी एक का मास भी डबल कर दिया जाए, तो ये फोर्स के ऊपर क्या असर होगा? अगर एक का मास भी डबल हो जाए, मान लीजिए ये, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, टू हो जाएगा, तो ये टू क्योंकि इंटू हो रहा है इसके साथ, तो ये सबके साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है. यानी कि अगर किसी एक का भी मास डबल हो जाएगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल हो जाएगा, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल्ड, ठीक है. तो जो डिस्टेंस है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी ये जो रेडियस है आर, इसको अगर हम डबल कर दें, ठीक है, तो अगर इसको हम डबल कर दें तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. यानी कि ये 4r स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है. यानी फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा अगर
जो है डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर ये 3 times हो जाए तो ये 3 times हो जाएगा अगर r का तो स्क्वायर सॉरी ठीक है, तो 3 3 9, ये 9 times जो है वो फोर्स कम हो जाएगा ठीक है। 3 गुना अगर डिस्टेंस कम हो जाए या डिस्टेंस जो है वो 3 गुना बढ़ जाए तो फोर्स जो है वो 9 गुना घट जाएगा ओके, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डबल ठीक है, द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल, अगर दोनों ही मास डबल हो जाए ठीक है, डबल मतलब 2 times बढ़ जाए तो कितना फोर्स हो जाएगा, वो फिर 4 times जो है फोर्स बढ़ जाएगा 2 into 2 ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ये साबित होता है इससे ठीक है। सो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, और इस ही लॉ की वजह से हम बहुत सारे फिनोमिना, यूनिवर्सल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए हैं, उसका रीजन बता पाए, जैसे हर एक चीज ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है, मून जो है पृथ्वी का ही चक्कर क्यों लगाता है, जो है पृथ्वी क्यों नहीं मून का चक्कर लगाने लगती है ठीक है। तो ये सारे फिनोमिना हम देखते तो है यूनिवर्स में ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था ठीक है। लेकिन जब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया और इस ग्रेविटेशन को हमने एक डिफाइन किया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है, और उसमें हमने बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू खींचता है, और इस लॉ को यूज करके बाकी फिनोमिना को जब हमने एक्सप्लेन किया तो बाकी सारे के सारे फिनोमिना हम बहुत इजिली एक्सप्लेन कर पाए, और हमने देखा कि ये लॉ हर जगह फिट बैठ रहा है, और बहुत सारी चीजों का जब हमने रीजन इसको दिया तो वो चीजें वैसे ही साबित हुई जैसे कि हमने इस लॉ के थ्रू सोचा था ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस है, यही इसका सिग्निफिकेंस है कि वी हैव एक्सप्लेन लॉट ऑफ मेनी अदर फिनोमिना, और इसी के फिनोमिना की वजह से, इसी ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से आज हम स्पेस में भी बहुत इजिली जा पाए हैं, क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन की वो बिल्कुल सटीक बैठती है, यानी कि हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है, जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉल ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे गिरते वक्त उसकी स्पीड भी बदलती रहती है ठीक है। जैसे गिरी थोड़ी स्पीड थी, फिर और हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉलिंग तो उसको हम फ्री फॉल का एक्सेलरेशन कहते हैं, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन देन दे आर सेट टू बी इन फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 9.8 meters per second, तो ये यूनिट आपको हमेशा याद रखनी है ठीक है। 9.8 meters per second square ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कई बार हम इस फिगर को 10 भी ले लेते हैं अगर कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, बट अगर आपको 9.8 ही लिखा है तो आपको 9.8 ही हर जगह इस्तेमाल करना पड़ता है ठीक है। विच इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, चाहे मास कितना भी हो इसी रेट से वेलोसिटी चेंज होती है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 meters per second square भी कॉन्स्टेंट है ठीक है। सो व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ठीक है, किसी भी अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल फॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसका वेट कहते हैं ठीक है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका वजन जिसको हम कहते हैं उसका वेट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमित पायस फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ठीक है। पोल्स जैसे अर्थ है ना, धरती ठीक है, धरती के दो पोल्स है ना, ऐसे ये धरती है, ये एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है ठीक है, और ये इसका इक्वेटर, धरती के बीचों बीच वाली जो लाइट होती है उसको इक्वेटर कहते हैं, और एक ये पोल है और एक ये पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो अमित पायस फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स,
ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। अमित को दोस्त ने फोन किया, अमित जो है इक्वेटर पे रहता था, उसके दोस्त ने उसको फोन किया कि भाई इक्वेटर से मेरे लिए कुछ ग्राम गोल्ड लेके आ जाना। और जब अमित फ्लाइट पकड़ करके वापस इक्वेटर पे आया, अपने उसका दोस्त इक्वेटर पे ही रहता था, उसका घर इक्वेटर वाली लाइन पे था, तो उसने उसको गोल्ड हैंड ओवर किया। तो उसके दोस्त ने फिर उस गोल्ड का वजन किया कि भाई उसको मैंने इतने ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए कहा था, वो उतने ग्राम लेके आया है कि नहीं। सपोज 5 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए कहा था, वो 5 ग्राम गोल्ड खरीद के लाया है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे घर में भी मशीन है चेक करने वाली, ठीक है। सो विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड प्लॉट, तो क्या उसका दोस्त मान जाएगा जितना वो गोल्ड लेके आया है, जितना उसने कहा था गोल्ड लाने के लिए, क्या वो जब वे करेगा तो क्या उसको उतना ही गोल्ड मिलेगा वे करने पे? इफ नॉट व्हाई, अगर नहीं तो क्यों? हिंट दिया है, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। तो ये जो जी है, स्मॉल जी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज का अगर हमें वेट निकालना है तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, उसका जितना मास है और जी। अब जी क्योंकि अर्थ के ऊपर ज्यादातर जगहों पे एक जैसा हमने मान के चला है बाय कन्वेंशन, तो वेट और मास को हम एक तरीके से इंटरचेंज करके अर्थ के ऊपर यूज कर लेते हैं कई बार, ठीक है। तो अब क्योंकि जी है यहाँ पे वैरी कर रहा है, तो वेट और मास एक ही बात नहीं रह गई, ठीक है। तो ये इक्वेटर पे मान लीजिए 10 था, ठीक है, जो पोल्स है वहां पे मान लीजिए 10 था जी, ठीक है, क्योंकि वहां थोड़ा जी ज्यादा रहता है, और इक्वेटर पे मान लीजिए जी जो है वो 9.8 है, ठीक है। अब मास जो है, अगर हम मान के चले कि मास जो है वो 10 था, ठीक है, तो जब उसने उसको पोल्स के ऊपर वेट किया तो 10 × 10 यानी कितना लेके आया, कितना ग्राम आ गया, 100 ग्राम गोल्ड उसने वहां पे वजन किया, ठीक है। अब इसी मास को, 10 ही मास को वो गोल्ड फ्लाइट से लेके आया और इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ पे 9.8 है इक्वेटर पे, तो जब उसने, उसके दोस्त ने उतने ही ग्राम जितना वो लेके आया था 100 ग्राम, जब उसको वजन किया तो यहाँ पे वेट क्या आएगा, इस यहाँ पे वेट का फॉर्मूला आ जाएगा वेट, और यहाँ पे 10 ग्राम था वो मास और 9.8 यानी कितना आया, 98 ग्राम आया, ठीक है। 2 ग्राम कम, उसको लगेगा यार मैंने तो उसको 100 ग्राम बोला था लाने के लिए, वो 98 ग्राम लेके आया है, है ना। तो ये चीज हो जाएगी उसके साथ, ओके। सो व्हेन वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज गिवन बाय वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है, वेयर एम मास ऑफ द बॉडी और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट द इक्वेटर, therefore gold at the equator weight less than at the poles, hence Amit's friend will not agree with the weight of the gold brought, okay। so question number 11 hai, why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball। koi ek paper hai aise, theek hai, suppose aapke paas koi ek paper hai is tarike ka, theek hai, is tarah ka paper, jab isko main aise chhod dungi aise, theek hai, to ye dheere dheere aise ऐसे गिरा, ठीक है, लेकिन अभी इसको मैं नोच मोड़ दूं, ऐसे क्रम्बल कर दूं और एक बॉल के फॉर्म में कर दूं और ऐसे गिरूं तो छट से गिर जाएगा नीचे, है ना, तो तेजी से गिर जाएगा बॉल, ऐसा क्यों, जबकि एक ही पेपर है दोनों, ठीक है, बस उसका शेप चेंज कर लिया। सो व्हेन ए शीट ऑफ पेपर इज क्रम्बल इनटू अ बॉल देन इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी को अगर हम डी से डिनोट करें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है यहाँ मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर हम वॉल्यूम को कम कर दें, यानी कि पेपर को मोड़ चिंगोड़ करके उसका वॉल्यूम कम कर दें, ठीक है, छोटा सा कर दें, तो डेंसिटी जो है उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये घटा तो, क्योंकि डेंसिटी से वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अगर पेपर को हम स्ट्रेट ऐसे रहने दें तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो यानी डेंसिटी कम है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि इसको एयर रेजिस्टेंस, अब इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम ज्यादा, सरफेस एरिया है तो इसको एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड बॉयंट फोर्स भी मिलेगा और इसको एयर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी रीजन है। सो व्हेन ए पेपर शीट ऑफ पेपर इज क्रम्बल इनटू बॉल देन इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, हेंस रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन थ्रू द एयर decreases and it falls faster than the sheet of paper,
ओके क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ. ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका मास दिया है 10 kg. ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है, मतलब वेट जो है, वो अर्थ के कंपैरिजन में मून पे 1/6 रहता है. तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. ठीक है, और वेट का भी फॉर्मूला पता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, देयरफॉर वेट ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज मास इंटू जो है आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 × 9.8 न्यूटन. ठीक है, और क्योंकि मून के ऊपर 1/6 होता है तो इसी 98 को 1/6 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 16.3 न्यूटन उसका वेट आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो अभी हमें इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है. अब आपने लॉज ऑफ मोशन में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी वी यानी फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिख देते हैं. यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए जी लिखा है, जी एस. ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं. ठीक है, वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, एस हाइट अचीव्ड बाय द बॉल और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस. एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, तो जब हम नीचे से ऊपर कुछ फेंकते हैं तो बाय कन्वेंशन हम वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो वही रहती है बट उसका एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंक रहे हैं, तो उस वक्त हम जी की वैल्यू जो है माइनस में लेते हैं. तो जी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगा. ठीक है, नीचे से ऊपर फेंकते हैं. ओके, सो लेट एच बी द हाइट अटेन बाय द बॉल. मान लेते हैं एच हाइट यानी जो एस है वो एच है. ठीक है, डिस्टेंस मतलब एस, जो हमने यूनिवर्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन में एस यूज करते हैं डिस्टेंस, वही डिस्टेंस हाइट के ऊपर फेंक रहे हैं, ना कि वर्टिकल फेंक रहे हैं, ना कि हॉरिजेंटल चला रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है वो ही हाइट है. ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगी पहुंचने के बाद. इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 49 और 2g की वैल्यू हमें पता है, h हमें कैलकुलेट करना है. तो h को हमने जब कैलकुलेट किया तो h इज इक्वल टू 49 × 49 बाय 2 × 9.8 दैट इज 122.5 मीटर. ठीक है, इतना हाइट वो चलेगा. और दूसरा क्वेश्चन है कि कितना टोटल टाइम लेगा आने और जाने को लेकर के. ठीक है, सो लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाइट 122.5 मीटर. देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. ए टी लिखते थे, यहाँ जी लिखा है. सो फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो हो गई है. इनिशियल वेलोसिटी 49 थी, जी हमें 9.8 पता है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे 5 सेकेंड. और टाइम ऑफ एसेंट जाने का जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है. ठीक है, देयरफॉर द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न इज 10 सेकेंड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है. अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6. एक पत्थर है, उसको एक टावर जो कि कितना ऊंचा है 19.6 मीटर ऊंचा, उससे फेंका गया नीचे. कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं हो और बस ग्राउंड तक पहुंचा ही हो, फाइनल वेलोसिटी वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो आपको पता है यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs होता है. तो इसी इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो वी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि हम जब ऊपर से नीचे किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो, अगर नहीं मेंशन है तो जीरो लेके चलते हैं ऊपर से नीचे जब भी कोई चीज गिरती है तो. और जो है 2a की वैल्यू हमें पता है 9.8 और हाइट s डिस्टेंस हमें 19.6 ये फॉर्मूले में दिया है.
और इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हैंस द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है उसको ऊपर फेंका गया और फेंकने की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर, देखिए यहाँ पे जी की वैल्यू 10 दी हुई है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ठीक है, ये हमें पूछा है। पहले हमें हाइट पूछी है कि वो हाइट कितनी पहुंचा, तो यही फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू जी एस। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 40 मीटर। फाइनल वेलोसिटी जीरो है हो जाएगी, क्योंकि स्टोन जब ऊपर पहुंचता है लास्ट पॉइंट पे तो भी उसकी वेलोसिटी वहां पे जाके जीरो हो जाती है, तभी वो फ्री फॉल करना शुरू करता है, पहले जीरो होगी। जैसे कोई चीज हम फेंकते हैं यहां जाके रुकती है ना, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे फेंका, रुका, फिर वापस आता है, तो जो रुका वहां तक की बात पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, हाइट जो है एस जो है दिया हुआ है, सो एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन लेंगे। ऊपर से नीचे गिरती है तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाती है तो नेगेटिव। सो लेट एच बी द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन, देयरफॉर तो ये जीरो है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 40 का स्क्वायर इंटू 2 एच जो है हमारे पास, जो जी है वो 10 है, एच हमें कैलकुलेट करना है। देन एच हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 40 इंटू 40 बाई 20, सो 80 मीटर, यानी 80 मीटर जो है वो हाइट चला, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। अब एक दो चीजें हमसे पूछी, एक नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा और एक टोटल जर्नी। तो जब नीचे से ऊपर गया तो 80 मीटर चढ़ा, और ऊपर से नीचे आएगा तो भी 80 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 160 मीटर। लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट वो होता है कि जहां शुरू किया और खत्म किया उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो भाई जहां से हमने फेंका वो गिरने के बाद वापस वहीं आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ, जीरो हो गया, ठीक है। सो द नेट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी इज जीरो, ठीक है। सो कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड मून निकालना है, तो इसमें भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले का यूज करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू आर स्क्वायर की तरह लिए हमने, ठीक है। तो इसके अंदर हम जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन, ठीक है। हेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 3.57 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाइट एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, ठीक है। दो चीजें हो रही हैं, एक 100 मीटर का टावर है, ठीक है, उसके ऊपर से एक स्टोन को ऐसे गिरा दिया गया, ठीक है, और सेम उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त एक नीचे से, नीचे आदमी जो खड़ा है वो एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, और किस वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। अब हमें बताना है कि एक जो नीचे से फेंका और एक जो ऊपर से फेंका, तो बीच रस्ते में, ऊपर से यहां से फेंका, नीचे से आ रहा था, इसको नीचे से ऊपर फेंक दिया, नीचे आ रहा था, बीच रस्ते में दोनों कहीं ना कहीं टकराएंगे ना, तो किधर टकराएंगे, व्हेन, कितने टाइम बाद टकराएंगे और कितने डिस्टेंस के ऊपर टकराएंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। सो लेट द टू स्टोन्स मीट आफ्टर ए टाइम टी, मान लेते हैं टी टाइम के बाद मिलेंगे, ओके। सो व्हेन द स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टावर इनिशियल वेलोसिटी, जब भी ऊपर से नीचे कोई चीज फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन टाइम टी आफ्टर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर बी एस, मान लेते हैं टाइम
टी, जितना कि हमने माना है ना टाइम टी के बाद दोनों मिले, ठीक है. सो लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन टाइम टी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर भी एस, मान लेते हैं एस डिस्टेंस चला होगा, ठीक है. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है. सो तो अगर हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि इतने डिस्टेंस उसने चल दिया होगा टी टाइम में, टी टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो एस डिस्टेंस चला होगा टी टाइम में, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये हमें इक्वेशन ऑफ मोशन से ये फॉर्मूला पता है, ठीक है. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस हमें पता करना है कि भाई कितना डिस्टेंस चला, और हमें टी भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं. इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से हमें मिल गया है ये वैल्यू, ठीक है. एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, ओके. ये वैल्यू हमें मिल गई, इसको हम रख लेते हैं अपने पास, ठीक है, हिसाब से. सो व्हेन द स्टोन थ्रोन अप, अब हम दूसरे स्टोन के ऊपर आते हैं कि हम नीचे से उसको ऊपर फेंक रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी यू है उसकी 25 मीटर पर सेकेंड. लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड इन टाइम टी बी एस डैश, मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद दोनों मिल रहे हैं, ठीक है. तो टी टाइम में ऊपर वाले पत्थर ने 4.9 टी स्क्वायर डिस्टेंस चला, ठीक है, टी टाइम में, और नीचे वाला पत्थर भी उतने ही टाइम में, मान लेते हैं वो एस डैश डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसकी वैल्यू -9.8 लेंगे, ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर से यहाँ पे हम पुट करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पे एस जो है वो एस डैश है, क्योंकि ये नीचे वाले स्टोन का है, ठीक है. सो यहाँ पे हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी 25 दिया हुआ है, टी हमें पता नहीं है, टी हमें हमने मान लिया है कि टी टाइम लगा, माइनस क्योंकि ये वैल्यू इससे है माइनस से, ठीक है, हाफ 9.8 टी स्क्वायर, ठीक है. तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो एच डैश की वैल्यू है 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आई, ठीक है. अब हम इन दोनों ही इक्वेशन को अगर कंबाइन करें, ठीक है, कि द कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन्स एट द मीटिंग पॉइंट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर. अच्छा, आपको एक चीज और है दी हुई है इसमें कि क्योंकि जो टावर है वो 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है. ये टावर था, हमने पहले बता दिया कि टावर 100 मीटर ऊंचा है यहाँ पे, ठीक है, ये 100 मीटर ऊंचा है. तो जब हम इसको फेंकेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये मिल रहा है, और यहाँ पे एक और हम पत्थर उछाल रहे हैं, ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों मिलेंगे, ठीक है. तो जितना भी इन दोनों ने डिस्टेंस चला, मान ली कि इसने एस डिस्टेंस चला है यहाँ पे, ठीक है, और इसने एस डैश डिस्टेंस चला है यहाँ से, ठीक है, लेकिन एस प्लस एस डैश टोटल तो 100 मीटर ही होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर 100 मीटर टावर है, ये 100 से नीचे गिर रहा है, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, और ये दोनों बीच में कहीं मिल रहे हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस जितना इसने चला और जितना इसने चला, उन दोनों का सम तो 100 ही होगा, ये हमें पता है, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि एस डैश प्लस एस इज इक्वल टू 100, तो ये भी एक इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक है. तो अगर हम वैल्यूज को पुट करें, ठीक है, एस डैश की वैल्यू थी 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और एस की वैल्यू थी 4.9 टी स्क्वायर और 100 के बराबर, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है. तो यहां से अगर हम इक्वेशन सॉल्व करें, ठीक है, तो हमें कितना मिल जाता है, यहां से ये दोनों वैल्यूज को हम यहां से कट कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है. तो हमें मिल गया 25 टी इज इक्वल टू 100, और 100 बाय 25 इज 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड टाइम इज 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के बाद दोनों जो है स्टोन जो है मिलेंगे, ठीक है. सो इन 4 सेकेंड द फॉलोइंग स्टोन हैज कवर्ड अ डिस्टेंस बाय इक्वेशन 1. अगर हम इक्वेशन 1 में टी की वैल्यू पुट कर दे, 4.9 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, तो वो 78.4 मीटर चला, और जो दूसरा स्टोन है, ठीक है, वो 4 सेकेंड में कितना हाइट करेगा, 20.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन और ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है. ये याद रखना है, इसमें एक टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन में यही है कि हमें ये याद रखना है कि जहां पे भी दोनों मिलेंगे, जितना डिस्टेंस पहले ने चला और जितना डिस्टेंस दोनों ने चला, दोनों का सम 100 है, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो उतना ही है. अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप.
द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस एंड इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड. ठीक है, एक लड़का है, उसने एक बॉल फेंकी और उसने फेंकने के बाद उसके पास वापस आ गई आफ्टर 6 सेकेंड. मतलब गई और आई दोनों का टोटल टाइम 6 सेकेंड लगा. अब हमको बताना है कि कितने वेलोसिटी से उसने पहली बार वो बॉल फेंकी होगी. ठीक है, सो द टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट. तो हमें ये पता है कि जितना भी हाइट वो गया होगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लिया होगा, उतना ही टाइम नीचे आने में भी उसको लगा होगा. ये इक्वल होता है टाइम ऑफ एसेंट. एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना और डिसेंट मतलब नीचे आना. तो आने और जाने का टाइम तो बराबर होता है. ठीक है, सो द बॉल टेक्स अ टोटल ऑफ 6 सेकेंड फॉर इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी. तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर जाने का 3 सेकेंड लिया होगा, 3 सेकेंड नीचे आने का लिया होगा. ठीक है, सो हैंस इट कैन इट हैज टेकन 3 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम हाइट. सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द मैक्सिमम हाइट. जब भी कोई चीज मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो फाइनल वेलोसिटी को हम 0 ले सकते हैं. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू -9.8, क्योंकि हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं. सो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, वी हैव v फाइनल 0 है, u हमें निकालनी है और 9.8 × 3. ठीक है, तो u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली कि इतनी की वेलोसिटी से, इतनी की स्पीड से हमने वो बॉल ऊपर फेंकी है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में कि कितनी हाइट अटेन की. लेट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल बी h. ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल गई है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमें पता है. तो अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो h हमको निकालना है, s और h एक ही बात है. ठीक है, जितना डिस्टेंस होता है वही उसकी हाइट है यहाँ पे, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है. ओके, सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 29.4, टाइम 3 सेकेंड लग रहा है, माइनस हाफ 9.8 × t का स्क्वायर. तो यहाँ से हमें हाइट आ गई 44.1 मीटर की हाइट उसने चली. ओके, सो द बॉल अटेन्स द मैक्सिमम हाइट आफ्टर 3 सेकेंड. आफ्टर अटेनिंग दिस हाइट इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन. ओके, सो इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी 0, पोजिशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ द थ्रो इज गिवन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी इन 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड दैट इज 1 सेकेंड. ओके, 4 सेकेंड के बाद वो कहाँ, क्वेश्चन पूछा है कि 4 सेकेंड के बाद वो बॉल का पोजिशन कहाँ है. तो नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर वो नीचे आया, है ना. तो एक चीज है कि नीचे से ऊपर जाने में उसको 3 सेकेंड लग गया. ठीक है, लेकिन जो 4th सेकेंड है वो तो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, वहां पे कहीं होगा वो बॉल. ठीक है, ये पूछा है ना आपसे कि मान लीजिए जैसे हमने कोई बॉल को थ्रो किया ऊपर और उसको 3 सेकेंड लगा, फिर वो नीचे आया, फिर से उसको 3 सेकेंड लगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 4 सेकेंड के बाद वो कहाँ था. तो 3 सेकेंड यहाँ गया, फिर 4th सेकेंड में वो यहाँ कहीं होगा, है ना. सो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हमको निकालना है कि वो कहाँ था, कितने डिस्टेंस पे था. इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो 0 है. टाइम कितना लिया, तो हमें पता है 4th सेकेंड, 3 तो ऊपर जाने में लगा दिया, ऊपर से नीचे, तो ये 1 सेकेंड है. 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें पता है. ठीक है, तो वो 1 ले लिया हमने टाइम को, और हाफ ए हमें पता है 9.8 t 1 है. ठीक है, तो नाउ द टोटल हाइट हमें पता है 44.1 मीटर है. दिस मीन्स दैट द बॉल इज 39.2 मीटर, 44.1 माइनस 4.9 मीटर अबव द ग्राउंड फ्रॉम आफ्टर द 4 सेकेंड. 4 सेकेंड्स के बाद वो ग्राउंड से 39.2 मीटर ऊपर रही थी. ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है. सो इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्ट. कोई ऑब्जेक्ट उसको पानी में डुबो रहे हो तो बॉयंट फोर्स कहाँ लगेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ऊपर की तरफ लगेगा. ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड खींचती है, बॉयंट फोर्स हमेशा अपवर्ड ढकेलता है. ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्सपीरियंस बॉयंट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर
वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। अगर कोई भी प्लास्टिक का ब्लॉक है उसको पानी के अंदर छोड़ोगे तो ऊपर क्यों आ जाता है, ठीक है। सो टू फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डुबाओगे तो उसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं। एक तो पहले उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, और दूसरा उसके ऊपर पानी में क्योंकि वो डूब रहा है तो उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगने लगता है, ठीक है। सो विच पुश द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स एंड द अदर इज द बॉयंट फोर्स विच पुशेज द ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स। इफ द अपर बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर दैन द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स देन द ऑब्जेक्ट कम्स अप टू द सर्फेस ऑफ द वॉटर एज सून एज इट इज रिलीज विद इन द वॉटर। जब तक उसके ऊपर आपका फोर्स लगा रहेगा तब तक तो पानी में डूबा रहेगा, लेकिन जैसे आप अपना फोर्स हटा दोगे तो जो भी फोर्स ज्यादा होगा उसके हिसाब से रिजल्टेंट हो जाएगा। ग्रेविटी का अगर पुल ज्यादा होगा तो नीचे ही बैठा रहेगा। अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल पुल को अगर बॉयंट फोर्स जो है आउट पार कर देगा तो वो चीज ऊपर आ जाएगी, ठीक है। सो ड्यू टू दिस रीजन ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वॉटर कम्स अप टू द सर्फेस ऑफ वॉटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वॉटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। तो आपको पता है पानी में वही चीज तैरती है जिसकी की ग्रेविटी या जिसकी की डेंसिटी जो है वो पानी से कम होती है। अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाएगा, ठीक है। सो इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड देन इट सिंक्स इन द लिक्विड। ऑन द अदर हैंड इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड देन इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। तो ये एक यूनिवर्सल रूल है ये, ठीक है। सो हेयर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो मास हमको 50 दिया है और उसका वॉल्यूम 20 दिया है, तो कितना आ गया उसका डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमको पता है कि वाटर की डेंसिटी भी हमको दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हेंस द सब्सटेंस विल सिंक इन द वाटर, क्योंकि उसकी डेंसिटी 2.5 है जो कि वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इस वजह से वो पानी में डूब जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है। द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। एक 500 ग्राम का सील पैकेट है उसका वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। तो सेम हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द पैकेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द पैकेट एंड वी हैव 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड अगेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर हेंस द पैकेट विल सिंक। ओके, सो द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट दैट इज। अच्छा, अब कितना मास वो पैकेट वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो जितना वॉल्यूम रहेगा पैकेट का उतना ही पानी का मास वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। ये एक जनरल सी बात है, क्योंकि पैकेट का वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है तो उतना ही मास ऑफ वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।